सर, जिले में आपके द्वारा कई औषधि वाटिकाएं बनाई गई हैं, उनका क्या भविष्य में उपयोग रहेगा लोगों के लिए और कितना लाभकारी होंगी वो? प्रशासन द्वारा प्लानिंग ये करी गई है कि जहां पे भी इस तरह की जगह मिले जिनका प्रयोग नहीं हो रहा है, जिनको परिवर्तित करा जा सकता है औषधि उद्यान की तरह, उसमें एक पहल करी गई है प्रशासन ने। लोगों को भी प्रेरित करा जा रहा है कि वो अपने घरों में, पार्कों में, खाली स्थानों पे इस तरह के पेड़ लगाएं, जैसे अश्वगंधा है, मुलेठी है, अदरक है, हल्दी है, तुलसी है, इनको लगा के न केवल वो प्रकृति से जुड़ेंगे बल्कि औषधीय उपचार की कई चीज़ें इनसे मिल सकती हैं। साथ ही साथ लोग इसमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और इससे इन प्लांट्स को ले भी सकते हैं। इन सभी स्थानों पर नियमित ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं, पालिका के चौकीदार हो गए, माली हो गए, उनको भी यहाँ से संबद्ध करा जा रहा है। कोशिश यही है कि एक भावना लोगों में आए कि जहाँ पे भी पेड़ लगाना संभव हो कोशिश करके औषधीय पेड़ लगाएं, जिससे औषधि का भी फायदा मिल सके और पर्यावरण को भी लाभ। सर, कुल कितनी वाटिकाएं जो है बनवाई गई हैं आपके द्वारा? अभी तक 6 वाटिकाएं प्रशासन द्वारा इस तरह से स्थापित करी जा चुकी हैं और आगे आने वाले समय में और भी इस तरह की जगह देखी जा रही है जहाँ पे और वाटिकाएं शुरू करी। जब जिले के तेज तर्रार जिला अधिकारी द्वारा यहाँ पड़ी तमाम खाली जगहों को अब इस्तेमाल में लाया जाना शुरू कर दिया गया है। बता दें कि विगत दिनों में करीब 6 औषधि वाटिकाओं का निर्माण यहाँ की जिलाधिकारी ने कराया है। इन औषधि वाटिकाओं में तमाम तरह की औषधियों को लगाया गया है, जिनसे भविष्य में ये औषधियाँ लोगों के उपचार में काम में लाई जा सके। वहीं लोगों को भी इस तरफ प्रेरित करने का काम यहाँ के जिलाधिकारी कर रहे हैं कि वे अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर औषधियों को लगाएं और उनका भरपूर लाभ उठा सकें। हरदोई से ईटीवी के लिए आकाश शुक्ला।